स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधिस्थस्य केशवा स्थिति किम प्रभाषित किम आसीत व्रजेत किम। भगवद गीता का दूसरा अध्याय श्लोक 54। महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन ने अपने रथ के सारथी भगवान कृष्ण से कहा कि मेरा जो रथ है दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो, जब कृष्ण अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले गए और अर्जुन ने देखा कि सामने उसके पिता मैं हैं, सामने युद्ध में कौरव सेना के साथ उसके गुरु हैं, तो वो घबरा गया और अपने कर्तव्य से अपने पद से अपने धर्म से विचलित होने लगा। तब भगवान कृष्ण ने उसको समझाया कि हे अर्जुन, ये तुमको शोभा नहीं देता। जिस व्यक्ति में समत्व बुद्धि होती है, समबुद्धि होती है, विवेक बुद्धि होती है, उसको इस तरह का व्यवहार शोभा नहीं जाता। वह व्यक्ति अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता, अपने धर्म के पथ से विचलित नहीं होता। जब कृष्ण ने अर्जुन से बात कही तो अर्जुन इस श्लोक में कृष्ण से पूछते हैं कि हे केशव, ये बताएं कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है, जो व्यक्ति समाधि में स्थित होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं? वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? क्योंकि अर्जुन को ये भान होता है कि अगर मैं अपने पद से विचलित हो रहा हूँ, अपने कर्तव्य से विचलित हो रहा हूँ, अपने धर्म से विचलित हो रहा हूँ, तो मुझ में ये लक्षण नहीं है। जो एक समत्व बुद्धि, एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के अंदर होने चाहिए। तो ये प्रश्न कृष्ण से करते हैं। श्री भगवान उवाच, कृष्ण जवाब देते हैं। प्रसाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मानि एव आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते। पार्थ, हे अर्जुन, जिस समय में मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर आत्मा आत्मा में ही स्थित हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, वह स्थिर बुद्धि व्यक्ति कहलाता है। अब इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ जो है, श्लोक का जो अर्थ है, हम आगे के श्लोकों में देखेंगे। दुखेशु अनुद्विग्नमनः सुखेशु विगस्प्रहा वीतराग भय क्रोधा स्थिति मुनि उच्यते। हे अर्जुन, जो व्यक्ति दुखों में बहुत दुखी नहीं होता और जब सुख मिलते हैं तो बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं होता, जिसके भय क्रोध वासनाएं राग नष्ट हो गए हैं, ऐसा व्यक्ति स्थिर बुद्धि कहा जाता है। हम अपने जीवन में भी देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं, हम सबके जीवन में कई बार बहुत समस्याएं आती हैं, दुख आते हैं, परेशानियां आती हैं। हम लोग बहुत उद्विग्न हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हमें नहीं समझ आता कि उस दुख की घड़ी में, उस दुख के समय में हम क्या करें। अपना विवेक खो देते हैं, कई बार गलत कदम भी उठा लेते हैं। और ऐसा भी कई बार देखा गया है कि जब बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, बहुत ज्यादा सुख मिलता है,
उस समय भी हम अपने मन की भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते और सुख के अतिरेक में भी कई बार ऐसे काम करते हैं जो हमको नहीं करने चाहिए। तो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है वो सुख हो दुख हो उसमें समत्व बुद्धि का रहता है और सुख और दुख दोनों को समान भाव से देखता है। वो जान जाता है कि सुख और दुख मन की अवस्थाएं हैं और हमें अपने मन की अवस्था को हर हाल में सुख हो दुख हो नियंत्रित रखना है। सुख क्या है, दुख क्या है, मन की अवस्था है। सुख सोचा सुख होगा, दुख सोचा दुख होगा। और जिस समय हमारे मन की भय क्रोध वासनाएं समाप्त हो जाते हैं उस समय हमारी बुद्धि स्थिर कही जाती है। ये सर्वता अनभिस्नेहा तत् तत् पापे शुभा शुभम न अभिनंति न दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो व्यक्ति स्नेह रहित होकर सुख अशुभ वस्तुओं को प्राप्त करना प्रसन्न होता है न द्वेष करता है उसकी बुद्धि स्थिर है। स्नेह रहित होकर और सुख अशुभ वस्तुओं को प्राप्त करके ना तो द्वेष करता है ना प्रसन्न होता है उसकी बुद्धि स्थिर है। अब ये किस तरह से हो सकता है कि ना तो हमको अधिक स्नेह हो ना ही हम अपनी प्रशंसा में बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाएं और जब हमको दुख आता है कोई हम बहुत ज्यादा दुखी हो जाएं, सुख की घड़ी में अतिरेक से सुख के अतिरेक से हम पागल हो जाएं। तो इस तरह ये जो हमारी बुद्धि है ये कैसे हो सकती है? इस विधि को भगवान कृष्ण अर्जुन को आगे बताते हैं। यदा संहर्ते च अयम कूर्मा अंगानि इव सर्वशा इंद्रियाणि इंद्रियाणि थे भय तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। यदा संहर्ते च अयम कूर्मा अंगानि इव सर्वशा। जिस तरह जो कछुआ होता है वो अपने सभी अंगों को समेट लेता है और उसकी जो पांच है पांच अंग हैं, एक मुंह है, चार पैर हैं, दोनों को समेट के ढाल के अंदर समेट लेता है। उसी तरीके से जो व्यक्ति अपनी पांचों इंद्रियों को इंद्रियों के विषय से समेट लेता है उसकी बुद्धि स्थिर होती है। इसका अर्थ क्या है? इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः, इंद्रियों को सेंसेस को सेंसेस के ऑब्जेक्ट से जो समेट लेता है, जैसे हमारी आंखें हैं, कोई चीज आंखों को अच्छी लगती है देखने में, स्किन को कुछ छूने में अच्छा लगता है, कानों को कुछ सुनने में अच्छा लगता है, जीभ को कुछ खाने में अच्छा लगता है, तो वो जो चीजें हैं वो हमारी उन इंद्रियों के ऑब्जेक्ट हैं। पहले हमारी इंद्रियां देखती हैं, इंद्रियां अनुभव करती हैं, फिर वो मैसेज हमारे ब्रेन को जाता है और जो आनंद का अनुभव है वो इंद्रियों के माध्यम से हमारा मस्तिष्क करता है। तो जब हमारा मस्तिष्क हमारी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेता है और अपने विषयों से इंद्रियों को समेट लेता है तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है।
जीवन में बहुत से प्रलोभन होते हैं, जीवन में बहुत सी वासनाएं होती हैं, जीवन में बहुत से स्वादिष्ट भोजन होते हैं, जीवन में बहुत से सुंदर लोग मिलते हैं। जो हमारा मन है बहुत चंचल होता है, हमारी इंद्रियां बेलगाम घोड़े की तरह होती हैं, जिन पर मन का कोई नियंत्रण नहीं होता, जिन पर मस्तिष्क का कोई नियंत्रण नहीं होता है। और जब हमारी इंद्रियों का अपने ऊपर, जब हमारी इंद्रियों पर हमारे मन का, हमारे मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं होता, तो वो हमको जीवन में कई बार गलत रास्तों पर ले जाती हैं, जिससे हमारा जीवन में पतन होता है, जिससे हमारे जीवन में हमें दुख मिलते हैं। तो जिस व्यक्ति का अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण होता है और इंद्रियों के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको इंद्रियों से दूर रखता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। विषयाविनिवर्तन्ते निराहारस्य देहना रसवर्ज्यम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषयाविनिवर्तन्ते निराहारस्य देहना, जिस व्यक्ति ने भोजन नहीं किया है, निराहार है, उसके विषय, उसका जो, जिस व्यक्ति ने भोजन नहीं किया उसको भोजन तो नहीं मिलता है, किसी भी कारण से किया है नहीं किया, कोई व्रत रखता है तो व्रत के समय में वो भोजन नहीं करता है, कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो बीमारी के समय भोजन करने का मन नहीं करता है। लेकिन भोजन करने की इच्छा बनी रहती है। तो यहां पर हम भोजन का अर्थ, विषयों का अर्थ, निराहार का अर्थ केवल भोजन से ना लें, हम उन सब वासनाओं से लें जिनके ना करने के बाद भी हमारे मन में उन वासनाओं की इच्छा बनी रहती है। रसवर्जन रसे अपि अस्य परम दृष्टा निवर्तते। हमने संकल्प किया कि ऐसी कोई वस्तु, जो ऐसी कोई बात, ऐसा कोई सेंस ऑब्जेक्ट जो हमारे जीवन को गलत रास्तों पर लेके जा सकता है, ऐसा कोई व्यक्ति जिसके मिलने से हमको जीवन में हानि हो सकती है, हम गलत रास्ते पर जा सकते हैं, उससे अपने को दूर रखेंगे। लेकिन होता क्या है कि अपनी डिजायर्स को, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में रखने के बाद भी हमारे मन में उनको पाने की इच्छा बनी रहती है। जिस तरह से एक व्यक्ति व्रत में होने के बाद, निराहार होने के बाद, भोजन ना करने के बाद भी मन में भोजन की इच्छा रह जाती है, तो वो जो इच्छा है, वो जो कामना है, उसकी समाप्ति कैसे हो सकती है? भगवान कृष्ण कहते हैं, रसवर्जम रसे अपि अस्य परम दृष्टा निवर्तते। कि उस रस की इच्छा, उस रस की कामना जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, जो हमारे अंतःकरण में जो इच्छा बनी रहती है, वो केवल परमात्मा की कृपा से दूर हो सकती है, वो केवल परमात्मा को अनुभव करके, परमात्मा की उपासना करके दूर हो सकती है। यतते ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्यता इंद्रियाणि प्रमाथिनि हरन्ति प्रभसं मनः। हे अर्जुन, कई बार यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के भी मन को ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां बलात्कार से बलपूर्वक हार लेती हैं। हम बहुत प्रयास कर रहे हैं,
ज्ञानी लोग बहुत प्रयास करते हैं अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने का, विषयों से अपने को दूर करने का, जीवन की वासनाओं से, जीवन की कामनाओं से अपने को दूर करने का, अपने को दूर रखने का। लेकिन जब हम इस संसार में हैं और संसार में हम उन सब कामनाओं के बीच में हैं, उन सब वासनाओं के बीच में हैं, तो ये बहुत संभव है कि बहुत बुद्धिमान व्यक्ति का भी कई बार जो ये प्रयत्न कर रहा है कि मैं उन ऑब्जेक्ट्स से दूर रहूं, उन वासनाओं से दूर रहूं जो मेरे जीवन को पतन की ओर लेके जा सकती हैं, ये संभव है एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए भी। अब क्या इसका कोई उपाय है कि जो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, ज्ञानी है, वो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण किस प्रकार रख सके कि उसकी इंद्रियां उसको बलपूर्वक उन ऑब्जेक्ट की तरफ ना ले जाएं जिनसे उसके जीवन का पतन होता है। ऐसा कई बार देखने में आता है कि बहुत विद्वान व्यक्ति है, आध्यात्मिक व्यक्ति है, धार्मिक व्यक्ति है, लेकिन तब भी कई बार वो अपनी वासनाओं को, अपनी कामनाओं को नियंत्रण में नहीं कर पाते हैं और उनके जीवन में पतन का आरंभ हो जाता है, उनका जीवन पतन की ओर चला जाता है। अब इसका उपाय क्या है? भगवान कृष्ण बोलते हैं, यानी सर्वाणी सैम्य युक्त आसीत मत्प्रह वसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। इसका उपाय है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति की, बुद्धिमान व्यक्ति की इंद्रियां उसको बलपूर्वक कामनाओं की ओर ना ले जाए, वासनाओं की ओर ना ले जाए। वो कहते हैं, जिसने संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके, एक चित्त होकर के, मेरे में स्थित होके मेरी उपासना करता है, उसी व्यक्ति की इंद्रियां उसके वश में होती हैं, उसकी ही बुद्धि स्थिर होती है। अर्थात कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी ज्ञानियों को जानता हो, कितना भी बुद्धिमान हो, कितना धार्मिक हो, कितना स्पिरिचुअल हो, इस जीवन में रहते हुए ये बहुत संभव है कि वो पतन के मार्ग पर चले। कभी ना कभी कोई ऐसी वस्तु हो, कोई ऐसी डिजायर हो, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जो उस व्यक्ति की बुद्धि को प्रभावित करके उसको गलत रास्ते पर ले जाए, तो उससे बचने का उपाय भगवान कृष्ण कहते हैं जो कि वह व्यक्ति, जो भी व्यक्ति संपूर्ण अपने डिजायर्स को, अपने सेंस ऑर्गन्स को, पांचों इंद्रियों को अपने नियंत्रण में करके ध्यान से, साधना से, मेडिटेशन से, भक्ति से, सत्संग से मेरे परायण होता है, उसकी बुद्धि, उसकी इंद्रियां, उसकी बुद्धि के नियंत्रण में रहते हैं। ध्याय तो विषयान पुंसा संघाते सूख जायते, संगा संजायते कामा, कामा क्रोध है विजायते, क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विवर्मा, स्मृति भ्रंसात बुद्धि नाश, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। ये जो चार पंक्तियां हैं, ये जो दो श्लोक हैं, उसमें भगवान कृष्ण ने ह्यूमन साइकोलॉजी की बहुत गूढ़ बात कह दी है।
जो ना केवल उस समय में संदर्भित थी बल्कि आज भी है और आने वाले हर काल में रहेंगे। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगते सुजायते। जो व्यक्ति हर समय विषयों का चिंतन करता है उसकी उन विषयों से डिजायर से प्रीति हो जाती है, प्यार हो जाता है और उसको पाने की इच्छा बढ़ जाती है। और जब वो नहीं पा पाता है किसी कारण से तो क्रोध का क्रोध की उत्पत्ति होती है। जायते विषयान् पुंसः संगते सुजायते। संगात संजायते कामा, कामात क्रोधाय विजायते। क्रोध से क्या होता है? क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह यानी अविवेक, मूर्ता, दुर्बुद्धि। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विवर्मा। उससे क्या होता है? स्मृति का नाश हो जाता है, बुद्धि का नाश हो जाता है। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश, बुद्धि नाश होता है और बुद्धि नाशात प्रणिशति। और जिसकी बुद्धि का नाश हो गया उसके जीवन का नाश हो गया। ये जो चार पंक्तियां हैं अब मान के चलिए इसमें जीवन का, आज के जीवन का सार है। हम सब लोग विषयों की तरफ, डिजायर्स की तरफ, कामनाओं की तरफ, वासनाओं की तरफ अंधाधुंध भाग रहे हैं, जिससे हमको उनसे अट्रैक्शन हो जाता है, पाने की इच्छा बढ़ जाती है। जो सब कुछ हम पाना चाहते हैं वो जरूरी नहीं है हमको मिल जाए, और नहीं मिलता है तो फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है, क्रोध पैदा होता है। अब जो क्रोध पैदा होता है, क्रोध में हम ऐसे काम करते हैं कि हमारी बुद्धि मूर्ता की तरफ जाती है, बेवकूफी की तरफ जाती है, गलत कदम उठाते हैं, बुद्धि का नाश हो जाता है और जीवन। और ये जो आज के समय में हम देखते हैं, आज के समय में हम जो देख रहे हैं, डिप्रेशन है, सुसाइडल टेंडेंसीज हैं, मर्डर्स हैं, रेप्स हैं, जो लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, अतिरिक्त अधिक से अधिक पैसे के पीछे भाग रहे हैं और अधिक पैसा कमाने की कामना में सबसे ही गलत काम कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं कर रहे हैं, अपने परिवार की चिंता नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद जो उसको परिणाम उनको भुगतना पड़ता है, चाहे स्वास्थ्य के रूप में, चाहे बदनामी के रूप में, चाहे जेल जाना पड़ता है। इसी तरीके से जो दूसरी डिजायर्स हैं, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, तो जितना हम इन चीजों के पीछे भाग रहे हैं उतना हमको दुख मिलता है। हम इन सब चीजों को सुख के लिए पाना चाहते हैं, हम चाहते, हम सोचते हैं कि इनको ये मिल जाएगा तो हमको सुख मिल जाएगा। लेकिन इस सुख पाने की चाह में हम वो सब करते हैं जो हमको दुख देके जाता है। जतन बहुत सुख के किए, दुख का किए, दुख का किया न कोई। हम तो यतन सिर्फ सुख के करते हैं, दुख का तो हम कोई यतन करते ही नहीं, क्योंकि हमें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता है, अपने मन पर, अपनी बुद्धि पर नियंत्रण नहीं होता है, अपनी वासनाओं पर नियंत्रण नहीं होता है। तो अगर हम चार पंक्तियों को समझ जाएं तो हम अपने जीवन की बहुत सी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगते सुजायते। संगात संजायते कामा, कामात क्रोधाय विजायते। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विवर्मा, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशात, बुद्धि नाशात प्रणिशति। तो ह्यूमन साइकोलॉजी का आधार है डिजायर से क्या होता है,
क्रोध से क्या होता है, मूर्ता से क्या होता है, बुद्धिनाश से क्या होता है, ये सब इंटर रिलेटेड है, सब चीजें आपस में जुड़ी हैं। तो इनसे बचने का उपाय क्या है, यही चीज भगवान कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को। आगे कहते हैं, राग द्वेष युक्त अस्तु विषयान इंद्रिय चरण आत्मवश्य विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। तो इस श्लोक में क्या कहते हैं, इस श्लोक में कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने इंद्रियों पर जिसका नियंत्रण है, जो राग और द्वेष से दूर है, वह व्यक्ति इस जीवन में विषयों का भोग भी करता है और भोग करता हुआ वो प्रसन्नता को भी प्राप्त करता है। इसका देखिए कितना गहन अर्थ है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि तुम जीवन में रहते हुए जीवन के सुखों का भोग मत करो, ये नहीं कहते हैं। वो कहते हैं तुम अपनी इंद्रियों पर अगर तुम्हारा नियंत्रण है, तुम्हें अपना मन पर नियंत्रण है, तुम राग और द्वेष से दूर हो, तुम्हारा जो अंतःकरण है वो स्वाधीन है। इसका क्या अर्थ है अंतःकरण स्वाधीन? इनफैक्ट हम वी हैव बिकम द सर्वेंट्स ऑफ आवर सर्वेंट्स। जो हमारी आत्मा जो मालिक है, जो अंतःकरण हमारा मालिक है, जो हमारा बुद्धि मालिक है हमारी इंद्रियों का, लेकिन हो क्या गया है, हमारी जो बुद्धि है हमारी इंद्रियों की अधीन हो गई है, जो हमारा अंतःकरण है हमारी मस्तिष्क के अधीन हो गया है, और हमारी आत्मा जो इन सब की मालिक है वो चुपचाप इन सब के अधीन होकर बैठी है। वी हैव बिकम द स्लेव ऑफ आवर सेल्फ। तो जो व्यक्ति स्वाधीन होता है, जो अपनी इंद्रियों का गुलाम नहीं है, अपने मन का गुलाम नहीं है, जिसकी बुद्धि उसकी इंद्रियों पर कंट्रोल करके चलती है, जिसका अंतःकरण, जिसका सबकॉन्शियस माइंड फ्री है, किसी के कंट्रोल में नहीं है, बुद्धि के कंट्रोल में नहीं है, दुर्बुद्धि के कंट्रोल में नहीं है, और जो इनका मालिक है, जो स्वाधीन अंतःकरण वाले व्यक्ति है, वो जीवन की सुखों का उपभोग भी करता है, वो पारिवारिक जीवन का उपभोग भी करता है, उस स्वादिष्ट भोजन को भी ग्रहण करता है, वो धन भी कमाता है, वो परिश्रम करता है जीवन के अन्य सुखों को पाने के लिए भी, लेकिन उसको अपनी सीमा का पता होता है, उसको ये पता होता है कि मेरे लिए क्या चीज एक्सेप्टेबल है सुख को पाने के लिए, दुख से दूर रखने के लिए क्या अनएक्सेप्टेबल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। देखिए कि जो हम ऐसा नहीं है, भगवान कृष्ण नहीं कह रहे हैं कि तुम अपने इंद्रियों को ऐसा कर लो कि तुम जीवन के सुखों का उपभोग ना करो। वो कह रहे हैं कि जीवन के जितने सुख हैं जो परमात्मा ने तुमको दिए हैं, जो पांचों इंद्रियों से आप देखते हो, लेकिन उनको वही उपयोग करो जो जीवन में आपको आपके उद्देश्य के प्राप्त करने में सहायक हो। जैसे एक व्यक्ति जो किसी रथ में बैठा है, उसको किसी गंतव्य स्थान तक जाना है, और अगर उसके जो घोड़े हैं वो बेलगाम हो गए, एक किस तरह भाग रहे, किस तरह भाग रहे, किस तरह भाग रहे, और जो घुड़सवार है, जो सारथी है, जो रथ का सारथी है, उसका नियंत्रण नहीं है उन घोड़ों पर, और जो रथ का मालिक है पीछे बैठा है वो उसके भरोसे बैठ के सो गया है, तो वो जीवन में कभी
भी जो उसका रथ है उसे कहीं भी गिरा सकता है, गलत रास्ते पर लेके जा सकता है। उसी तरीके से जो व्यक्ति जागृत है, जो स्वाधीन अंतःकरण का व्यक्ति है, वो जीवन में सभी सुखों को भोगता हुआ जीवन की प्रसन्नता को प्राप्त करता है। प्रसादे सर्व दुखानां हानि अस्य उपजायते, प्रसन्न चित से ही आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। जिस व्यक्ति की बुद्धि निर्मल हो जाती है उस व्यक्ति का संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है, और प्रसन्नचित व्यक्ति की बुद्धि शीघ्र ही अच्छी प्रकार से स्थिर हो जाती है। मतलब जिस व्यक्ति की बुद्धि इस प्रकार से निर्मल हो गई है उसके दुखों का भी नाश हो जाता है। जो जीवन में दुख मिलते हैं, ज्यादातर दुख मिलते हैं, वो हमारे अपने कर्म के परिणाम से ही मिलते हैं। हम दोष परमात्मा को देते हैं, लेकिन हमने जो किया वही हम आगे पाते हैं। जैसा हम बोते हैं वैसी फसल ही हम पाते हैं, जैसा एक्शन हम करते हैं वैसा रिएक्शन हम पाते हैं। तो अगर हम गलत काम करेंगे तो हमको दुख मिलेगा, सही काम करेंगे हमको सुख मिलेगा। तो जो निर्मल हृदय व्यक्ति होता है, निर्मल अंतःकरण का व्यक्ति होता है, वो कोई ऐसा काम नहीं करता है जिससे वह अपनी इंद्रियों का गुलाम बन जाए। उसकी जो बुद्धि है वो स्थिर होती है और वो जीवन में सुखों को प्राप्त करता है। ना अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य, ना च अयुक्तस्य भावना, ना च भाव्यते शांति, अशांतस्य कुतः सुखम्। जो साधना से रहित व्यक्ति होता है उसके अंतःकरण में श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होती है, आस्तिकता का भाव नहीं होता है। और जिस व्यक्ति को आस्तिकता का भाव नहीं होता है उस व्यक्ति को सुख भी नहीं मिल सकता है। आस्तिकता का भाव होना चाहिए, अर्थात जिसको परमात्मा में विश्वास हो, जिसको अपने में विश्वास हो कि मैं ये कर सकता हूं, और ये विश्वास उसको परमात्मा की उपासना से, परमात्मा की कृपा से ही मिलता है। तो और ये श्रेष्ठ बुद्धि भी तभी आती है जब परमात्मा की कृपा होती है, आस्तिकता से आती है। यहां आस्तिकता का अर्थ आडंबर से नहीं है, कर्मकांड से नहीं है। यहां आस्तिकता का अर्थ है जो उस परमात्मा में विश्वास करता है, जो कण कण में व्याप्त है, जो परम चेतना हमारी चेतना को प्रकाशित करती है, जिसके लिए हम कहते हैं तेजो असी तेजो मई देई, बलो असी बलो मई देई, जिसके लिए हम कहते हैं अस्तो म सद्गमय, तमसो म ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतम गमय। वो परमात्मा जो हमको असत्य से सत्य की ओर लेके जाता है, अधर्म से धर्म की ओर लेके जाता है, पाप से पुण्य की ओर लेके जाता है, यहाँ पर हम भगवान कृष्ण उस आस्तिकता की बात कर रहे हैं। इंद्रियाणाम ही चरताम यत मन अनुविधीयते तस्य हरति प्रज्ञाम वायु नावम एव अम्बसी। जिस प्रकार जल में वायु नाव को हर लेती है, उसी प्रकार विषयों में विचरते हुए, इंद्रियों में विचरते हुए जिस इंद्रिय के साथ मन होता है वह एक ही इंद्रिय उस पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। इसका क्या अर्थ है? इंद्रियाणाम ही
चरताम यद मनः अनुविधेयते। जिस व्यक्ति का जो मन है वो जो इंद्रियां हैं वो उनमें ही विचरता रहता है। जैसे कोई स्वादिष्ट व्यक्ति है, हमको पता है कि वो हमको स्वास्थ्य के लिए गलत है, लेकिन जो हमारी जीवा है वो हमारी हमारी मस्तिष्क में वो जो जीवा का स्वाद होता है वो बार बार आता है कि हमको वो चीज लेनी है, जानते हुए भी। जैसे तामसी वस्तुएं हैं, लिकर है, शराब है, नॉन वेज है, ये जानते हुए भी कि ये तामसी है हम उस चीज को लेते हैं। ऐसी कामना है, वासना है, ये जानते हुए कि हमें अपने शरीर को, शरीर की कामनाओं को नियंत्रण में रखना चाहिए। जीवन में बहुत सुंदर व्यक्ति मिलते हैं, लेकिन अगर मन में कामुकता की भावना है तो वो जो भावना है वो व्यक्ति को पतन की ओर ले जाती है। किसी व्यक्ति का मन पैसों में लगा रहता है, अधिक से अधिक पैसा कमाना है, गलत तरीके से हो, सही तरीके से हो। तो जो हमारी इंद्रियां हैं हमको बार बार हमारी बुद्धि को जो विचलित करती हैं और हमारा मन उन्हीं चीजों में डोलता रहता है, उन्हीं चीजों में विचरण करता है, तो उसका जो कोई भी एक यानी इंद्रियों का जो विषय है वो उसको पतन की ओर लेके जा सकता है। ये आवश्यक नहीं है कि कोई व्यक्ति बहुत संयमी है, कोई व्यक्ति बहुत ज्ञानी है, लेकिन अगर कोई एक भी उसकी जीवन की कमी है, उसकी कोई एक इंद्रिय पर उसका नियंत्रण नहीं है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो दूसरी कोई वासना हो। हम जीवन में ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जो समाज में बहुत प्रतिष्ठित होते हैं, धार्मिक होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, लेकिन कई बार सुनने में आता है कि उनके जीवन में कोई ऐसी कमी निकल आती है जिसकी वजह से वो बदनाम होते हैं, उनका जीवन में पतन होता है, उनको जीवन में दुख उठाने पड़ते हैं। तो कोई भी एक ऐसा, कोई भी एक ऐसी इंद्रिय वो उस व्यक्ति की बुद्धि को हर सकती है। जिस प्रकार जब जल में नाव होती है तो वायु अगर तेजी से चलती है, आंधी आती है, तूफान आता है, तो वो उसको डुबा सकती है। तो यहां पर देखिए ये कहा गया है, वायु नावम इव अंबसी, अंबसी जल में अगर नाव है उस समय जब तूफान आ रहा है तो वो उसको डुबा सकता है। तो एक समझदार व्यक्ति क्या करता है, समझदार नाविक क्या करता है कि जब देखता है कि तूफान की संभावना है, तेज आंधी की संभावना है, समुद्र में, नदी में वायु का वेग बढ़ रहा है, तो वो नाव को किनारे ले जाता है और वहां किनारे से उसको बांध देता है या ऊपर पानी से बाहर ले जाता है। तो जब जल में वायु, जल में नाव है तो संभावना है, लेकिन जब नाविक उसको जल से बाहर ले जाता है उस समय में तो नाव के डूबने की संभावना ही समाप्त हो जाती है। बहुत गहरा अर्थ है। जब हम वासनाओं के जल से, वासनाओं की आंधी से अपनी नाव को बचाकर परमात्मा की शरण में ले जाते हैं, जिस समय यह संभावना लगती है कि
वो आंधिया तूफान मेरी नाव को डुबा सकता है तो नाव वो डूब नहीं पाती क्योंकि वो उस समय जल में ही नहीं होती है। तस्माद अस्य महाबाहु निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहु, अर्जुन को कृष्ण कहते हैं महाबाहु तुम तो बहुत शक्तिशाली हो, उसको स्मरण कराते हैं उसकी शक्ति का। जिस पुरुष की इंद्रियां सब प्रकार से इंद्रियों के विषय से हटकर वश में होती हैं, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। या निशा स्वरूप भूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुनि। या निशा स्वरूप भूतानाम, जो सब लोगों के लिए निशा है, रात है, तस्याम जागृति संयमी, उसमें संयमी व्यक्ति जागता है। यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुनि, और जो सब लोगों के लिए दिन है वो उस ज्ञानी व्यक्ति के लिए रात होती है। देखिए इसका जो अर्थ है बहुत गूढ़ अर्थ है इस श्लोक का, और इसका अर्थ उस दिन और रात से नहीं है जिसको हम दिन और रात समझते हैं। हम तो समझते हैं जब सूरज निकला दिन हो गया, जब सूरज डूबा रात हो गई। इसका अर्थ श्लोक का अर्थ उससे नहीं है। ये कहता है कि जो दूसरे व्यक्तियों के लिए जिसको सत्य है दिन है, आम व्यक्ति के लिए, साधारण व्यक्ति के लिए, अज्ञानी व्यक्ति के लिए, वो ज्ञानी व्यक्ति के लिए वो सत्य नहीं है, वो रात है। और ऐसे विपरीत है। कैसे? एक अज्ञानी व्यक्ति कहता है कि ईश्वर कहाँ है, हमको तो ईश्वर कहीं दिखाई नहीं देता। और जो व्यक्ति जानता है, जो जागृत है, वो तो ईश्वर को सब रूपों में देखता है, कण कण में परमात्मा को देखता है, अनुभव करता है। तो जो जाग गया है वो जो अनुभव करता है, वो जो व्यक्ति नहीं जागा है, इसीलिए कहते हैं जागो रे जिन जागना अब जागन की बात, फिर क्या जागे नान का जब छोड़ चला संसार। तो जो सत्य, जीवन के सत्य को जागृत व्यक्ति अनुभव करता है, जो व्यक्ति सो रहा है, अज्ञानी है, वो उन चीजों को अनुभव नहीं करता है। जो जागृत व्यक्ति है वो जानता है कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। वो जानता है कि जब परमात्मा ने ये शरीर दिया है तो उसको इस उद्देश्य के लिए दिया है कि वो जिस उद्देश्य के लिए परमात्मा ने शरीर दिया उसको पूरा करे। लेकिन जो अज्ञानी व्यक्ति है वो भोग विलास में, जीवन की कामनाओं में, वासनाओं में अपने जीवन को व्यर्थ कर देता है। जो स्थित प्रज्ञा है, जो परमात्मा को पा गया है, जिसकी बुद्धि जागृत हो गई है, वो जानता है कि ये जो जीवन है ये हमको अपलिफ्टमेंट के लिए मिला है, अपने उद्धार के लिए मिला है। जब शरीर में हम आए थे परमात्मा ने कहा था कि तुम अपना उद्धार करो, जो तुम पिछले जन्म में जहां तुम खड़े थे उससे आगे बढ़ो। तो वो इस जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करता है। तो ये जो अर्थ है
ये इस संदर्भ में है, यानी सस्वरूप भूतानां तस्यां जागृति से, जिस प्रकार से एक व्यक्ति जो ज्ञानी है वो समझ जाता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, दिन क्या है, रात क्या है, जागना क्या है, जागो रे दिन जागना, अब जागने की बार, उसको पता है कि अब जागने की बारी है। और ये जीवन अगर व्यर्थ चला गया और तब हमने सोचा कि अब हमको जागना है, जब समय ही नहीं रह गया हमारे पास, तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता, सोचने का भी अर्थ नहीं रह जाता। अपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापि प्रविशन्ति यद्वत् त्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे सह शांति माप्नोति न काम कामी। जिस प्रकार से जो एक समुद्र होता है उसमें विभिन्न प्रकार की नदियां आकर के मिलती हैं और उसमें समा जाती हैं, उसी प्रकार जो स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति होता है उस संपूर्ण भोगों को भोगता हुआ भी किसी विकार को प्राप्त नहीं होता है। इसका अर्थ यह है कि जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो समत्व बुद्धि वाला व्यक्ति है, जो स्थित प्रज्ञ है, वो इस संसार में रहता है, इस संसार में वह सब काम करता है जिसको करने से उसको अपना परिवार भी चलाना है, जीवन यापन करना है, जो जीवन के सुख हैं उनको भी प्राप्त करना है, अर्थ भी प्राप्त करना है, यश भी प्राप्त करना है, लेकिन उन सब को प्राप्त करते हुए भी, वो सब काम करते हुए भी जो जीवन की वासनाएं हैं, जो जीवन की कामनाएं हैं, वो उसमें उसी प्रकार से आकर के उसको विचलित नहीं कर पाती हैं, उसके भीतर आके जिस प्रकार से बहुत सी नदियां एक समुद्र में आकर के मिलती हैं, लेकिन उस समुद्र को विचलित नहीं कर पाती है, समुद्र अपनी सीमा को नहीं लांघता है। अपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र मापी प्रविशन्ति यद्वत्, बहुत सी नदियां आके समुद्र में मिलती हैं, लेकिन समुद्र की सीमा जो है उसको विचलित नहीं कर पाती है। विहाय कामाने ये सर्वान पुमान चरति निष्प्रह निर्ममा निरंकार सह शांतिम अधिक। जो व्यक्ति संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित अहंकार रहित होकर के जीता है वह शांति को प्राप्त करता है। अब संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर और ममता रहित होकर अहंकार से दूर होके, स्प्रह से दूर होके, वासनाओं से दूर होके, अब संपूर्ण कामनाओं को त्यागना। देखिए यहां पर हम इस श्लोक का अर्थ उस लिए ले सकते हैं जो व्यक्ति समाधि की ओर जा रहा है। ऐसे जीवन में अब हम बहुत से लोग देखते हैं जो अपनी संपूर्ण कामनाओं को छोड़ देते हैं, संपूर्ण वासनाओं को छोड़ देते हैं, समस्त इच्छाओं को छोड़ देते हैं और केवल परमात्मा को प्राप्त करने में ही अपने जीवन को लगा देते हैं, समाधि की ओर जाते हैं, तपस्या की ओर जाते हैं। तो जो ऐसा व्यक्ति जो अपनी संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है, संपूर्ण इच्छाओं को त्याग देता है, जिसकी सब डिजायर समाप्त हो जाती हैं, वो व्यक्ति संपूर्ण शांति को प्राप्त होता है, वो समाधिस्थ होता है, समाधि की ओर जाता है, वह मोक्ष की अवस्था होती है जहाँ सुख नहीं होता, सुख और दुख का कोई अनुभव नहीं होता, केवल महासुख होता है, एक ऐसा सुख होता है जो शब्दातीत होता है, एक ऐसा सुख होता है जो शब्दों से परे होता है। ईसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नाइनाम प्राप्य विमोहति चित्वा अस्याम अंतकाले ब्रह्म निर्वाणम पृच्छति।
हे अर्जुन, यह ब्रह्मा को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ये जो स्थिति मैं बता रहा हूँ, ये उसकी स्थिति होती है जो समाधिस्थ होता है, जो ब्रह्मा को प्राप्त कर जाता है। इसको प्राप्त होने के बाद वह कभी मोहित नहीं होता है। और कहते हैं अंतकाल में भी अगर कोई व्यक्ति इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो निर्वाण को प्राप्त करता है, मेरी अवस्था को प्राप्त करता है। अब ब्रह्मा को प्राप्त किए पुरुष की स्थिति, जिसको प्राप्त करने के बाद मोहित नहीं होता। जो इंसान ध्यान से, साधना से, मेडिटेशन से परमात्मा की ओर बढ़ता है, जिसको जिस अवस्था में आने के बाद यह अनुभव होता है कि वो परमात्मा का ही अंश है, जिसके लिए कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि, जो अपने आध्यात्मिक स्तर को इस स्तर तक उठा लेता है कि वो जान जाता है कि मैं परमात्मा से अलग नहीं हूं, मैं ब्रह्मा हूं, अहम ब्रह्मा। जब समुद्र की बूंद समझने लगती है कि वो समुद्र ही है, समुद्र का भाग है, वो परमात्मा से अलग नहीं है, तो जब वह व्यक्ति समझ जाता है कि वह ईश्वर का भाग है, वह परमात्मा का अंश है, तो वह व्यक्ति किसी भी वासना से, किसी भी कामना से मोहित नहीं होता है। और अंतकाल में भी अगर इस स्थिति को पा करके ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। अब अंतकाल में कोई इस स्थिति को कैसे प्राप्त कर सकता है, ये एक बहुत गुण बात है कि सारा जीवन निकल गया, मैं उस परमात्मा को नहीं समझ पाया। और दूसरी बात, क्या इस स्थिति में आने के बाद अगर किसी व्यक्ति को यह स्थिति मिल गई जो एनलाइटमेंट है, जो ज्ञान है, जो बुद्धत्व है, तो क्या यह संभव है कि उसके बाद दोबारा से उसका डाउनफॉल हो जाए? क्या यह संभव है कि दोबारा से वो अपनी कामनाओं के अधीन हो जाए? परमात्मा कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, नहीं। इस ब्रह्मा की स्थिति को प्राप्त होके, प्रज्ञा स्थिति को प्राप्त होके, फिर वो कामनाओं को प्राप्त नहीं हो सकता। एक बुद्ध जिसको बुद्धत्व मिल गया है, एक महावीर जिसको ज्ञान मिल गया है, एनलाइटमेंट हो गई है, फिर हम अगर ये सोचें कि उनका पतन हो सकता है, वो जीवन में दोबारा से वासनाओं कामनाओं की तरफ जा सकते हैं, तो ये संभव नहीं है। जो मेरी स्थिति में पहुंच गया है, जिसने जान लिया है कि वह ब्रह्मा है, अहम ब्रह्मास्मि, हे अर्जुन, इस ब्रह्मा की स्थिति को प्राप्त हुए पुरुष की जो स्थिति है, इसको प्राप्त होके वो फिर मोहित नहीं होता है। और अगर इस स्थिति को वह अंतकाल में भी प्राप्त कर लेता है, जीवन भर प्रयास करता है, नहीं प्राप्त कर पाता है, लेकिन जब उसका अंत समय होता है, तो चाहे अपनी साधना के वजह से या किसी गुरु के वजह से, किसी सिद्ध व्यक्ति के आशीर्वाद से, अपने अंत काल में, अंत समय में भी अगर उस स्थिति को प्राप्त कर लेता है, जो एनलाइटमेंट की अवस्था है, जो ब्रह्मानंद की अवस्था है, जो ज्ञान की अवस्था है, अगर उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तो उसको जो नीचे जाने की अवस्था होती है, वो अगले जन्म में भी उसको प्राप्त नहीं होगी। जो उसका अगला जन्म भी होगा, वो एनलाइटेड पर्सन की तरीके से होगा। ऐसे बहुत से हमने जीवन में लोग समझे हैं, जाने हैं, जिनको प्रारंभ से ही ज्ञान प्राप्त था, जिनको प्रारंभ से ही जागृति प्राप्त थी,
बुद्धत्व प्राप्त था, तो ये पूर्व जन्मों के संस्कार से भी होता है। तो ऐसा व्यक्ति जो जागृत हो जाता है, जो एनलाइटमेंट को प्राप्त कर लेता है, उसका फिर से कभी उस अवस्था में, नीचे की अवस्था में जाना नहीं होता है।